मैं ब्लेज रोड वगैरह लेके आ चुका हूँ, बट इन द प्रोसेस मेरे आर्मर की तो भाई लग गई, लाइक पूरा का पूरा खत्म हो गया मेरा आर्मर। बट या लेट्स फाइट अलखी जी एंड भैया। ओके, तो आर्मर बनाने के लिए डायमंड्स की जरूरत पड़ेगी, जिसकी कतई कमी नहीं है मेरे पास। भर भर के डायमंड मिल जाएगा तुम्हें यहाँ पे, या लाइक मेरे पास बहुत डायमंड है भाई, टेंशन मत लो। सो एक और ट्राई करते हैं कि इसके अंदर कोई नए आर्मर है क्या, हैवी आर्मर एंड स्टफ लाइक डैट वाली चीज़ें टाइप। नहीं है यार, कोई बात नहीं, डाली नहीं मैंने, मेरी गलती है इसमें, कोई नहीं कोई नहीं। वेल वी आर बैक एंड लेट्स समन अलखी जी। या बॉयज, इट्स गोना बी अ टफ वन। अलखी जी के पास बहुत ही ज़्यादा वियर्ड पावर्स हैं, अगर वो उनको यूज़ करेगा तो मेरा थोड़ा सा ना कांड हो सकता है एक्चुअली में, ठीक है। सो यहाँ पे रखते हैं इसको, अभी ये मुझ पर बर्फ़ से पिघलाएगा भाई, ये बंदा वही करता है, बर्फ़ से तुम्हें ना जमा देगा। बट अगर मैं थोड़ा सा ज़्यादा दूर ना जाऊँ उससे तो शायद वो चीज़ ना। ओके शिट, मैं इसे डैमेज दे ही नहीं रहा हूँ, हाकी तो ऑन की नहीं थी अपन ने, हाकी ऑन हो चुकी है। लेट्स बीट द हेक, बस प्लीज़ वो मुझे जमा मत दियो, मैं उसे तोड़ नहीं सकता, ठीक है। So, let's. अगर मेरे को शायद इसमें ना गियर में जाना पड़ेगा, शायद मैंने बाकियों में इतने गियर में जा नहीं पाया था, बट मेरे को लगता है इस वाला ना थोड़ा सा टफ हो सकता है, मेरी हेल्थ भी गिर रही है। या भाई भाई भाई, थोड़ा सा दूर से ही रहे, दूर रहे, दूर रहे भाई, दूर। ओए, बस यही था, मेरे को लगा था मुझे गियर को स्विच करना पड़ेगा, बट ये तो सेट यार, ये तो मेरे बेस फॉर्म पर ही मर गया। एडमिरल्स आर नॉट डैट पावरफुल, यनकोस से लड़ने में एक्चुअली में मजा आएगा, तो इसको बंद तो हो जा भाई आपकी प्लीज। ओके, बंद हो गई। सो या दैट्स इट, दोनों चारों एडमिरल्स को हमने मार दिया। अब एक और था जो ग्रीन बोल्ट था, वो अभी भी ऐड नहीं हुआ है मोड के अंदर, तो या उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। ग्रीन बोल्ट तो अभी तक एनिमेट भी नहीं हुआ है, तो ऑब्वियसली वो इसमें कैसे ही आएगा, तो या यू नीड टू वेट लिटिल बिट मोर, शायद बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा तुम्हें। एंड ये वाली चीज़ UFO वाली बहुत सही चीज़ है, या इसमें मज़ा आता है थोड़ा बहुत। और देखो गाइस, सीरीज खत्म करने से पहले मुझे दो चीज़ें और बनानी पड़ेंगी, मतलब पड़ेंगी नहीं, मुझे बनानी है, दो चीज़ें और बनानी है। एक तो आ जाएगा हमारे पास बिग मामा की ये वाली स्वॉर्ड बिग मामा की, ठीक है, जिसके लिए चाहिए हमें ये वाली हैट, एंड ये हैट मिलती है बिग मामा से। तो दोनों को लेने के लिए मुझे बिग मामा पायरेट से लड़ना पड़ेगा, एंड जब मैं उनसे लड़ूंगा आई कैन ईजिली गेट डैट। एंड या एक मुझे ना रोजर की स्वॉर्ड भी चाहिए रहेगी, और एक वो चाहिए मुझे, कौन सी थी, द कॉन्करर हाकी नहीं थी यार, एक हाकी उन्होंने ऐड की थी जब मैंने मोड को अपडेट किया था। सो मुझे वो भी एक चाहिए रहेगा, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मैं उसे क्राफ्ट कर सकता हूँ, मुझे वो मिलेगा किसी ना किसी यानको से शायद। सो या मुझे वो भी लड़ना है, एंड रोजर से भी लड़ना है सून, मैं रोजर से भी लड़ूंगा, इसके अंदर रोजर भी है, ठीक है, टेंशन मत लो। बहुत ज़्यादा मज़े आने वाले हैं आगे वाले एपिसोड्स के अंदर, और अभी तक मैंने इनका अभी तक एक भी इकट्ठा नहीं किया है यानकोस के लिए, मतलब किंग ऑफ पायरेट बनने के लिए। तो ट्राई करूँगा कि मैं अगले में एक यानको को डिफीट करूँ। ओके, या मेरे को जहाँ तक लग रहा है मेरे को ना वो सारी चीज़ें ऑब्टेन करनी पड़ेंगी। स्वॉर्ड तो मैं बिल्ड कर लूँगा, ये मुझे बनाना है। एंड इसका डैमेज कितने का है, इसका डैमेज है 14 का, बट इसको देख सकते हो, राइट क्लिक भी है एंड क्राफ्ट भी है, मतलब इसके अंदर कुछ चेंजेस भी तुम कर सकते हो, ठीक है। सो ऐसा कुछ देखते हैं, ये बिग मामा से मिलेगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, ठीक है। और रोजर की ये वाली स्वॉर्ड, ये एस नाम है इसका, पर ये रोजर की स्वॉर्ड है, ये चाहिए मुझे एक। इसका डैमेज उतना नहीं है, बट स्टिल ये वो हाकी के साथ बहुत ज़्यादा तगड़ी वर्क करती है, ठीक है। सो इसलिए मुझे ये चाहिए। एंड देन यहाँ पे हमारे पास वो भी हैं अपने क्या, जोरो के ब्लेड्स, ये वाला ब्लेड भी जोरो का है, ये वाला ब्लेड जोरो का है, एंड एक ये वाला शायद ब्लेड जोरो का है, ठीक है। सो ये भी है, जो वो 3 स्टाइल भी तुम यूज़ कर सकते हो इसके अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग चीज़ है, ठीक है। बट देखते हैं हम क्या क्या बना पाएंगे। बट वेल आफ्टर डैट आई वॉज ट्रेवलिंग, और मुझे कुछ नया सा स्ट्रक्चर मिला है, ये एक्चुअली में कैथीड्रल का स्ट्रक्चर है, कैथीड्रल ही कहते हैं उसको, हाँ जो भी कहते हो, ठीक है, उसी का स्ट्रक्चर है। एंड ये डोसरासो वाले आर्क है, मतलब डोफ्लामिंगो का जो आर्क होता है उसके अंदर होता है ये, जिसके अंदर हमें लूसी मिलने वाला है, लूफी मतलब लूसी बन के गया होता है। तो फिलहाल के लिए मैंने स्पॉन सेव कर रखा है, एंड आई डोंट नो हाउ दिस शिट इज वर्क, तो बस मुझे ऐसे जाना होता है, एंड आई थिंक सो इट शुड वर्क, या इट इज़ वर्किंग। ये गेम थोड़ी सी लैग हुई, दैट वाई मतलब स्ट्रक्चर स्पॉन हो रहा है, अगर ये लैग हुआ है तो स्ट्रक्चर स्पॉन हो रहा है, एंड बूम स्ट्रक्चर स्पॉन हो चुका है, एंड मेरा स्पॉन नीचे चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं। सो वो रहा लूसी का हेलमेट जो मुझे चाहिए रहेगा, एंड यहाँ पे हमें मिलेगा फ्लेम नोमी, मतलब एस का फ्रूट मिलने वाला है हमें यहाँ पे, ठीक है। सो उसको भी कलेक्ट करना है हमें, एंड बच के भी रहना है, मरना नहीं है यहाँ पे। एंड ओके, अभी तक ये पूरा नहीं हुआ, ओके यहाँ पे अभी तक कुछ हुआ नहीं है इसको, ओके शिट ओके अच्छा फिर ठीक है, मेरे को लगा लूसी आ गया एक्चुअली में, मतलब उतना पावरफुल नहीं है लूसी, बट स्टिल भाई ये तो गया। इसको कैसे लें, तोड़ना पड़ेगा क्या,
उड़ा दिया भाई बंदे ने, सीधा पहली स्ट्राइक में ही उड़ा दिया भाई। बहुत सही लूसी, बहुत सही, नाइस वन। ओके, तो जैसे जैसे करके मैं ऊपर तो आ गया, बट अब लूसी नीचे फंस गया होगा क्योंकि उसके पास ये उड़ने वाली पावर तो है नहीं। एंड या वो बहुत बड़ा गधा है जो वो नीचे फंस गया। सो दिस इज थर्ड टाइम आई एम स्पॉनिंग हिम एंड लेट्स। ओके भाई, वो लात मार रहा है ना, इस कारण से उड़ जा रहा हूँ मैं। ओके, ये वाली पावर लात वाली मेरे पास नहीं है, भले ही मेरे पास भी गमू गमू नोमी है, बट स्टिल आई डोंट हैव दैट। ओके, मुझे लगता है मुझे इसमें गियर स्विच करने की जरूरत पड़ने वाली है, जहाँ तो मुझे लग रहा है मुझे पड़ेगी, क्योंकि ये बंदा नहीं पड़ेगी एक्चुअली में, नहीं पड़े। अरे भाई बस ये उड़ा सकता है तुम्हें। ओ ये क्या था, ओ व्हाट द हेक, ये क्या था, ये उड़ रहा है और वो भी अजीब तरीके से, वो UFO वाले तरीके से नहीं उड़ रहा है। ओके, मार तो मैं इसको एक्चुअल में इजीली दूंगा, जो मैंने मार भी दिया और मुझे इसका केप मिल गया ना, इस वन। ये काफ़ी सही लग रहा है भाई इसके साथ। अब देखो कटेट रोल में यार मुझे वो तो नहीं मिला, मैंने वो देखा था, क्या कहते हैं, एस का फ्रूट वाली चीज़ तो नहीं मिली यार, पता नहीं कहाँ है, वो नहीं मिला मुझे। बाकी मैंने इसे लूसी से लड़ तो लिया, मुझे शायद ढूंढना पड़ेगा फ्रूट, यहीं कहीं पे होना चाहिए था। ओके, तो मुझे एक और कड़ी मतलब ये मिल गया था जगह, और मैंने फिलहाल के लिए थोड़ा सा कवर कर दिया इसको, जिससे लूसी मुझे स्टार्टिंग में ही ना मार दे, मतलब पानी में ना फेंक दे एक्चुअली में, ठीक है। बाकी तो कुछ चेक कर नहीं है, पर मैंने एक साइड खोल कर रख रखा है, अगर मेरा लक खराब हुआ तो मैं उसी में गिरूंगा, नहीं तो वी विल फाइट। ओके वाओ, नाइस वन भाई, नाइस वन। बाकी तो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता लूसी लासी से। ओके, ये एस वाला है, ये देगा ना, दैट्स इट, ये एस वाला है। सो ये मतलब एक लूफी वाला लूसी है हमारे पास, एंड एक एस वाला लूसी है, ठीक है, दो लूसीज है हमारे पास, ठीक है। सो जिसकी मुझे जरूरत थी वो भाई राउंड टू विद साबो लूसी। पिछली बार तो उसने भाई पूरा ही कहते तबाह कर दिया था जगह को, तो हम राउंड टू हेल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे मुझे वो फ्रूट मिल जाए, आई थिंक सो मिल जाए। मतलब साबो के पास अभी फ्रूट नहीं है, जब वो फ्रूट को कंज्यूम करता है देन आएगा, उसके पास फ्लेम फ्लेम नोमी आता है, ठीक है। ओके नहीं भाई, बहुत गंदी हेल्थ खा रहा है, तो बहुत ज़्यादा गंदी हेल्थ खा रहा है, धीरे धीरे मार भाई, मतलब अरे मतलब वो अरे ठीक है, गा रहे उड़ उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, उड़ जाओ, फुली न्यू हेल्थ एंड नाउ इज गोइंग टू बी डेड मैन। बस ये हेलमेट दे दे मुझे तो ज़्यादा अच्छा है, बाकी मुझे उतना कुछ जरूरत नहीं है। लाइक फ्रूट की जरूरत थी, पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मुझे चाहिए था यार मुझे फ्रूट, पर ठीक है अभी के लिए तो इसको मार देते हैं। मर जा, ओ भाई हेल्थ मत खा इतनी, पर ठीक है मर जाए तो मर, बताओ हेल्थ बहुत खा रहा है यार ये बंदा, क्या करूँ मैं। ओके ऑलमोस्ट डेड है भाई बंदा, बस कुछ पंचिस और आई गेस इसको मैं मार दूंगा, अभी नॉर्मल पंचिस पे आ जाते हैं एंड बूम ये मर जाएगा, नाइस वन। इसने क्या दिया, केप टूट गया मेरा, नाइस वन, मेरा पूरा का पूरा केप टूट गया, बट कोई बात नहीं, हमें केप तो मिल चुका है इससे, इसलिए हमें साथ में जो है हेलमेट भी मिल गया इसका, नाइस वन। अब मैं काफ़ी ज़्यादा सेक्सी लगूंगा, वो भाई एक्चुअली में अच्छा लग रहा है यार ये। ओके वहाँ पे एक और का थिएटर रोल है, नाइस वन, लेट्स गो देयर भाई। My every effort but failed. भाई यार ये बंदे बहुत ज़्यादा गलत चीज़ कर रहे हैं, मतलब वो कैल्शियम को डिस्ट्रॉय करके पानी में कूद जा रहा है, या तुम नीचे पानी मत रखो या उसे डिस्ट्रॉय मत करने दो वो चीज़, और ये गेम भी लौटने में बहुत टाइम लगा रही है। आ यार भाई गुस्सा चला रखा है इन सब चीज़ों ने, ठीक है। मैं चार बार लड़ चुका हूँ लूसी से, दो बार लूफी वाला लूसी आया था एंड एक बार ये साबो वाला आया था, एंड तीनों ने दिमाग ख़राब किया मेरा, तीनों ने लिटरली। दे विल पे फॉर दिस, बट स्टिल क्या ही कर सकते हैं अभी के लिए। Fuck you gonna do, do with me. Murder all your crew, too easy. Got the devil's fruit, too with me. All you bitches screw, better tools in me. Then my brain's batter and your brain matter. Let it spray on the plate like a paint splatter. Any allies, better thank after. Cause the side that Atlanta's with banks captured. You should really know you really fucking with a demon. I'm kind of the seas with the first mate deep. Say it be the